नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बनाऊंगी भटूरे। यहाँ पे मैंने 250 से 300 ग्राम मैदा लिया है और यहाँ पे 100 ग्राम मैंने सूजी ली हूँ। सूजी को मैं मैदे में अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद मैंने 100 ग्राम ही दही लिया है, 100 ग्राम ही दही लिया है। दही को भी मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और यहाँ पे आधा चम्मच से कम नमक है, नमक और आधा चम्मच से कम खाने वाला सोडा है, तो मैं सोडे को भी इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी दिया है और मैं इसको अच्छे से आटा के जैसा गूंथ के रख देती हूँ। पानी की कम ही ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि दही में पानी रहता है, और आटा को मैं अच्छे से इससे गूंथ सकती हूँ। पानी जब ज़रूरत पड़ेगा तब मैं इसमें डालूँगी। अब हल्का पानी डालना है मेरे को, आटा इसका ज़्यादा कड़क नहीं गूंथना, आटा एकदम सॉफ्ट गूंथना है ताकि आपका भटूरा बहुत अच्छे से खिले और बहुत प्यारा भटूरा बन पाए। तो मैं आटे को थोड़ा गीला ही करूँगी। आप हाथ से चाहें तो हाथ से बना लें, बेलना चौका से चाहें तो बेलना चौका से बना लें। मैं इसको बेलना चौका से ही बनाऊंगी। मैं अच्छे से इसका डो लगा लेती हूँ। अब मैं इसमें, मेरे को रिफाइंड डाल सकती थी तो मैं देसी घी इसमें डालूंगी, लेकिन अभी आटा गूंथने के बाद। अब ये कंप्लीट आटा को मैंने गूंथ लिया है। अब मैं इसको इसी तरह रखूंगी, इसी पोजीशन में रखूंगी। अभी मैं इसमें देसी घी डालती हूँ। मैंने 1 चम्मच इसमें देसी घी डाल दिया, आधा चम्मच और डालूंगी। इससे ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनेगा। मैं आधा चम्मच और घी डाल लेती हूँ और चम्मच को अच्छे से हाथ से साफ कर लेती हूँ। अब मैं इसको अच्छे से गूंथूंगी। घी पहले ही डालना चाहिए, मैं नहीं डालती, मैं बाद में ही डालती हूँ ताकि जो भी इससे बहुत ही प्यारा बनेगा आपका, बहुत सुंदर बनेगा। इससे जो बटूरता है ना, वो बटूरेगा नहीं आपका, बेलती जाएंगी आप फैलता जाएगा, बटूरेगा नहीं। अगर आप इसको पहले घी या तेल डाल देंगी तो बटूरने लगता है, अच्छे से फैलता नहीं है। तो अब मैं इसको अच्छे से ढक के रख देती हूँ, कम से कम 15 से 20 मिनट रेस्ट पे रखती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आटे को गूंथ करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखी थी। अब मेरा आटा एकदम परफेक्ट बन चुका है। अब मैं चल रही हूँ भटूरे बनाने। आप लोग बने रहिए मेरे साथ देखने के लिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा डिश बना करके दे पाऊँ। मेरा यही आशा रहता है कि आप लोग मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं, तो हम भी आप लोगों को अच्छे से अच्छे डिश बना करके देती रहूँ। कभी मिस्टेक हो जाता है, तबीयत ठीक नहीं होती, नहीं बना पाती हूँ। तो इतना बड़ा मेरे को आटे का, थोड़ा बड़ा ही कर लेती हूँ, इतना बड़ा ले लिया। इसको ऐसे अच्छे से करना है, इसे हम हाथ से नहीं बनाएंगे, हम इसको बेलन से ही बनाएंगे। मैं यहाँ पे इसी तरह हमको बनाते जाना है, बड़ा बड़ा गोल तो बनाना नहीं है। तो मैं इसको अब थोड़ा सा हाथ से इस तरह करूँगी, थोड़ा बड़ा करूँगी। उसके बाद मैं इसको और बड़ा करूँगी, इतना ही छोटा नहीं बेलना है। मैं इसमें थोड़ा सा तेल लगाऊंगी, एक दो तीन बूंद मैंने इसमें तेल लगा लिया ताकि आराम से चकले पे एक दिखता चला जाए। अगर बहुत पतला हम बनाएंगे तो खाने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हमें इसको मोटा ही बनाना है। थोड़ा सा मोटा रहेगा, वैसे तो इसके अंदर पनीर भर के, धनिया ये सब डाल के अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास पनीर नहीं था। इस वक्त मेरे बेटे को नशा था, अभी बनाओ, इसलिए मैं अभी बना रही हूँ। तो मैंने भटूरा को यहाँ पर बेल दिया है। जैसे आप देख पा रहे हैं, तेल एकदम अच्छे से मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं अपने भटूरे को तेल में डालूँगी, आराम से डाल दिया मैं। अब इसको धीरे धीरे हिलाती रहूंगी ताकि ये फूले अच्छे से। मैं धीरे धीरे इसको हिलाती रहूंगी। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये परफेक्ट एकदम अच्छे से फूल चुका है। अब मैं इसको आराम से पलट दूंगी और इसको लाल होने तक धीरे धीरे तेल का छिटका देती रहूंगी इसपे और ये फूलता रहा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरा भटूरा एकदम बन के परफेक्ट रेडी है। आप इस तरह से तोड़िए
फटाफट छोले में लगाइए और फटाफट खाइए। मेरे भटूरे के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।